हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क सेकंड शिफ्ट का 8 अगस्त का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो डिटेल एनालिसिस है हम करने वाले हैं, क्या क्या इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो सेफ अटैम्प्ट क्या हो सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, बिगेस्ट एनालिसिस होने वाला है और पेपर आपको दिख रहा होगा, हलवा जो पेपर था वो ठीक है। इसके बाद अगर हम अब बात करें कि इसका सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि आगे आने वाली शिफ्ट में जो है क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि और जो आपका ओवरऑल जो कट ऑफ है वो एक कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले यार चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आप आने वाले जो नोटिफिकेशन है उसको मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर IBPS RRB क्लर्क प्री 2021 8 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस है। और जिससे हमने जिनसे पूछा गया, जिनसे रिव्यू लिया, उन्होंने 77 अटैम्प्ट वो करके आए हैं, तो काफ़ी गुड अटैम्प्ट वो करके आए हैं। तो चलिए हम रीजनिंग का जो ओवरऑल है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपका 5 नंबर का सिलॉक्स पूछा गया था जिसमें दो स्टेटमेंट थे, दो ही कंक्लूजन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद 5 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। 5 की चाइनीज कोडिंग आई थी, 3 के डायरेक्शन आए थे। ठीक है, तो और नीचे हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, 3 आपका 5 का चाइनीज कोडिंग हो गया था, इसके बाद 3 नंबर का डायरेक्शन, 2 नंबर का आपका ब्लड रिलेशन पूछा गया था, इसके बाद 4 से 5 मिसलेनियस जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन वगैरह से, है ना, और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से, तो ये 4 से 5 मिसलेनियस थे। इसके बाद 17 से 18 नंबर का आपका पजल पूछी गई थी, ठीक है ना, जिसमें 7 बॉक्स और 3x2 मंथ यानी कि 3 मंथ दे रखे थे, 2 डेट दे रखी थी, ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल था। 8 मेंबर दे रखे थे जो कि नॉर्थ में देख रहे थे, एक सिंगल रूम है, ठीक है, तो ये भी सिंपल हो जाता है। इसके बाद 5 मेंबर सर्कल इनसाइड देख रहे थे, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो रीजनिंग का अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर रहा, बिल्कुल सिंपल। अगर हम इसके गुड अटैम्प्ट की बात करें तो अगर आप 35 प्लस करके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और अगर आप कैटेगरी से और 30 प्लस करके आए हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको दिख रहा होगा कि मैथ्स में देखिए, सबसे पहले आपका 12 से 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था जो कि हलवा था, विदाउट पेन पेपर हो रहा था, मतलब कि बिल्कुल मतलब कुछ लेवल ही नहीं था, कुछ बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, 5 नंबर का मिसिंग सीरीज था, 10 नंबर की DI पूछी गई थी, इसमें टेबल और बार ग्राफ, जो आपका बार ग्राफ था थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, ठीक है ना, और मतलब थोड़ा आंकड़े बड़े दे के तो कैलकुलेटिव था। इसके बाद 10 से 12 नंबर का आपका अरिथमेटिक था जो कि इजी टू मॉडरेट था, मतलब बहुत ही सिंपल था, एवरेज परसेंट रेशियो SICI प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर से आए थे आपका Q1 Q2 से आए थे 3 नंबर। ठीक है, तो यार बहुत ही ओवरऑल देखे तो मतलब सिंपल ही कहेंगे हम, सिंपल ही कह सकते हैं, मोटिवेट तो इसमें कुछ कहने को है ही नहीं है, ठीक ना, सिंपल ही था। अगर इसके हम गुड अटेम्प्ट की अगर बात करें मैथ्स में क्या हो सकता है, तो अगर आप 32 प्लस बना के आए हैं तो आपके बहुत ही गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एक ओवरऑल जो रिव्यू है वो देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने कितने किए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं कितने कितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अटैम्प्ट किए, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इन्होंने 70 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, देखिए 70 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखिए 39 और 34। ठीक है, तो ये देखिए गुड अटैम्प्ट किए हैं इन्होंने, 60 और 73 इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 40 और 30 63 इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, इन्होंने भी देखिए 63 अटैम्प्ट किए हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुड अटैम्प्ट ये माने जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम और नीचे देखें तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए 80 अटैम्प्ट एक्यूरेसी यानी चांस, ये देखिए मतलब मजाक कर रहा है भाई, मतलब 80 अटैम्प्ट करके आया है। ठीक है ना, ये देखिए 76 अटैम्प्ट, ठीक है ना, 78 अटैम्प्ट देखिए आपको दिख रहा होगा, तो मतलब कितने कितने जो है बच्चे अटैम्प्ट करके आए, ये भाई के 49 है तो मतलब इनका तो यार नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद देखिए 71 अटैम्प्ट, इनके 64 कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल हो जाएगा इनका आराम से। ठीक है, इनके देखिए 67 जनरल कैटेगरी, हो सकता है इनके 95% चांस मान सकते हैं, मतलब है मतलब ठीक है, अगर क्योंकि स्टेट वाइज जो है कट ऑफ वेरी करती है, तो अगर इनका सही स्टेट पड़ जाता है तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है, और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए 63 है,
ठीक है। इसके बाद देखिए 79, देखिए मतलब 79 कर दिए इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए Q1 Q2 आया था ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 72 अटैम्प्ट, मतलब बच्चे जो हैं लगभग लगभग 75 प्लस ही उनके अटैम्प्ट रहे हैं ज़्यादातर जो बच्चे थे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 71 अटैम्प्ट, 67 अटैम्प्ट, ठीक है, SC से, ठीक है। तो अगर हम एक ओवरऑल जो कट ऑफ देखें, ठीक है ना, तो ओवरऑल अगर हम एवरेज कट ऑफ देखें तो वो आपका जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपका रहने वाला है 65 प्लस और 75 के बीच में, 75 से ऊपर भी किसी किसी स्टेट में जा सकता है और 65 से नीचे तो चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से और 65 से 75 के बीच में, तो बिल्कुल आप मेंस की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप कैटेगरी से हैं और 60 से ऊपर हैं, आपके SC में हैं और 60 से ऊपर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आप ST में हैं और अगर आपके 58 से ऊपर हैं, ठीक है, ST में आने वाले जो विद्यार्थी हैं अगर 58 से ऊपर करके आए हैं, तो बिल्कुल आप सेफ, एट गुड, मतलब सेफ जोन में माने जाएंगे, ठीक है। तो यही एनालिसिस था, और आगे हम थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।